आज जो बायोलिंक टूल हम देखेंगे वो है लिंक जॉइन। ये कोई फ्री टूल नहीं है, हम अभी इसके प्राइसिंग के पेज पे है और आप देख ही सकते हो ये $9 पर मंथ से शुरू होता है। फिर भी मैं ये टूल यूज करके आपको दिखाऊंगा क्योंकि ये एक ऐसा टूल है जिससे आप अपने इंस्टाग्राम फीड को क्लिकेबल बना सकते हो। आपको पता ही होगा कि आप इंस्टाग्राम में किसी पोस्ट में लिंक ऐड नहीं कर सकते, लेकिन लिंक जॉइन से आप बिल्कुल एक सिमिलर फीड क्रिएट कर सकते हो जिसमें आप लिंक ऐड कर सकते हो। तो साइन अप करने के बाद इस टूल में आपको कुछ इस तरह का डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए, क्रिएट न्यू पे अगर हम जाएंगे तो आप एक लिंक्डइन बायो पेज क्रिएट कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम का बायो लिंक क्रिएट कर सकते हो, इसके अलावा आप लिंक रिटारगेटिंग कर सकते हो, क्लाइंट के लिए काम कर सकते हो या कस्टम डोमेन ऐड कर सकते हो। लिंक्डइन बायो के ऑप्शंस में देखिए क्रिएट न्यू है, आप सारे लिंक्डइन बायो देख सकते हो, कैसे आप शुरू कर सकते हो या उसके बारे में आप वीडियो देख सकते हो और एग्जाम्पल भी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद इंस्टाग्राम बायो लिंक जो ऑप्शन आज हम देखेंगे, उसके अलावा है लिंक रीटारगेटिंग, सब में आप क्रिएट न्यू कर सकते हो, अपने सारे लिंक्स को देख सकते हो। क्लाइंट के लिए आप क्लाइंट पोर्टल आपको मिलेगा, यूनिवर्स ऑप्शन में जाके आपको फ्री रिसोर्सेज मिल सकता है, आप इनका फेसबुक कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, और है क्रोम एक्सटेंशन जो आप यूज़ कर सकते हो। तो हम चलेंगे इंस्टाग्राम बायो लिंक में जो आज हम देखना चाहते हैं, क्रिएट न्यू पे हम क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कोई भी एक नेम आप सेट कर सकते हो, तो यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पे मेरा नाम दे देता हूँ, हु इज़ इट फॉर मी, आप इसमें कुछ और भी दे सकते हो, ये मी है तो यही मैं सिलेक्ट कर देता हूँ और गेट स्टार्टेड पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो देखिए गेट स्टार्टेड में क्लिक करने के बाद ये है मेरा सोशल लिंक जो मैं ऐड कर सकता हूँ अपने इंस्टाग्राम में, और ये है फीड। फीड में देखिए अभी तक क्योंकि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्टेड नहीं है तो यहाँ पे दिखा रहा है कनेक्ट योर इंस्टाग्राम, तो ये मैं अभी कनेक्ट पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद इंस्टाग्राम से आपका ऑप्शन आएगा कि आप इसे लिंक जॉय को आप अलाउ करोगे या नहीं करोगे। आप चाहो तो आप डोंट अलाउ करोगे तो ये आपके फीड को कलेक्ट नहीं कर पाएगा, तो आप इसे आपको इसे अलाउ करना होगा, और इसे यूज़ करने के लिए आप पहले से इंस्टाग्राम में लॉग इन करके रखना। तो मैं इसे अलाउ कर देता हूँ। अभी देखिए मेरा जो इंस्टाग्राम है वो यहाँ पे ऐड हो गया है। अभी देखिए यहाँ पे मेरे जितने भी पोस्ट है उसके नीचे ऐड लिंक आ रहा है, यानी कि अभी मैं इन सारे पोस्ट में लिंक ऐड कर सकता हूँ। इसमें मैं कोई भी अगर एक लिंक ऐड कर देता हूँ, जैसे ये मैंने ट्विटर से स्क्रीनशॉट लेके ऐड किया था, तो सपोज मैं इसमें बस ट्विटर का ही लिंक ऐड करके देखते हैं, twitter.com दे देते हैं और उसके बाद हम इसे सेव कर देंगे। तो ये लिंक हमारा सेव हो गया। अभी हम इस लिंक पे जाके देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिंक जॉइन ने जो फीड हमें क्रिएट करके दिया है उसमें बस यही शो हो रहा है क्योंकि मैंने बस इस पे ही लिंक ऐड किया था। तो अभी अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा तो देखिए ट्विटर ओपन हो रहा है क्योंकि मैंने इसमें ट्विटर का लिंक जोड़ दिया था। तो देखिए ये ट्विटर पे रीडायरेक्ट हो गया। तो फिर से हम हमारे डैशबोर्ड में चलते हैं। तो देखिए जैसा कि आपका आपका फीड था, तो अगर आप अपने सारे पोस्ट में लिंक ऐड करते हो, हालांकि ये सारे तो लिंक ऐड करने जैसा नहीं था, लेकिन अगर आप प्रोडक्ट्स के बारे में अपना इंस्टाग्राम यूज़ करते हो कोई प्रोडक्ट सेल करने के लिए, तो आप सारे पोस्ट में लिंक ऐड कर सकते हो और उसके बाद उसे सेव कर सकते हो, और ये लिंक आप अपने बायो में ऐड कर सकते हो ताकि जब लोग इस लिंक के थ्रू जाए तो आप उनको एक सिमिलर फीड मिले जो आपको इंस्टाग्राम फीड जैसा ही है, बिल्कुल सेम है, लेकिन उस बार उस फीड में क्लिक करने से लोगों को कोई और पेज में आप रीडायरेक्ट कर सकते हो। तो उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है प्रोफाइल। यहाँ से आप अपने टाइटल को बदल सकते हो, आपका बटन टाइटल आप चेंज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे ये टाइटल दिखाएगा जब तक आप ऐड नहीं करते, विजिट वेबसाइट या फिर कुछ और आप बटन टाइटल ऐड कर सकते हो, बटन का लिंक आप ऐड कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, देखिए आप सेव कर सकते हो। उसके अलावा है लेआउट, लिंक जॉय, ये सारे लेआउट अवेलेबल है, या फिर आप कॉलम लेआउट चूज कर सकते हो। इंटीग्रेशन की बात करें तो आप पिक्सल ट्रैक कर सकते हो, कस्टम स्क्रिप्ट ऐड कर सकते हो हेड या बॉडी में, पर्सनलाइज्ड ब्रांडिंग का कुछ ऑप्शंस है, और एनालिटिक्स आपको देखने को मिलेगा कि लोकेशन, देखिए अभी मैंने ही क्लिक किया था तो ये दिखा रहा है इंडिया से एक क्लिक। इसके अलावा आप डिवाइस, टाइम जोन, रेफरर, ये सारे ऑप्शंस आप देख सकते हो।
इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं बस आपको दिखाना चाहता था कि कैसे आप अपने इंस्टाग्राम फीड को क्लिकेबल बना सकते हो। वो आपने देख लिया, तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में कोई और एक टूल के साथ।